काम को लास्ट खाने को फास्ट। हाँ ये को बोलते हैं, ये सही है ये। नहीं यार कर ही रही हो रहे आप। आज हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं दिखा रहे हैं आपको कुछ खास। क्या दिखाने जा रहे हैं पता नहीं, हो तो थोड़ी देर में दिखाएंगे। पता नहीं स्नेहा आप मेरे को बोली कि दादा और भाभी नीचे गए हैं, कुछ काम चल रहा है वहाँ पे जाते हैं करके। मैं तो अपना कुछ वेबसाइट का कुछ काम कर रहा था और जबरदस्ती लेके आई है, पता नहीं क्या ही होने जा रहा है यहाँ। अरे मैं ये दिखाने लाई हूँ ना आपको कि जहाँ जहाँ आप जा रहे हो ये सारी मतलब दादा लोगों की बाउंड्री है और आप इतना रहते हो इधर, तो एक चीज होता है ना कि आपको पता हो कि कहाँ कहाँ इनका है, क्या क्या पेड़ इनके हैं, कौन कौन से खेत इनके हैं, ये चीजें। मुझे अपने वहाँ सिंदेख पता नहीं है, यहाँ पता होगा। सिंदेख कम चीजें हैं और असिंदेख ना डिवाइडेड है, मतलब खेतों में खेत बीच में खेत ऐसे है, ठीक है। यहाँ किसी का वो नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं, बीच में किसी दूसरे के खेत हों या फिर बीच में किसी और की बाउंड्री हो, ऐसा नहीं है ना इधर। मतलब जो है सब अपना है वाला, मतलब इधर सब अपना है। ये क्या बना रखे हैं? ये वो थुपुड़। ये भाभी जैसे बाज लाती है ना, बाज की जो लकड़ियाँ बच जाती है उसको यहाँ इसलिए डालते हैं ताकि खेत में जलाने के काम आए और उस खेत को वो मिले, मतलब पोषक पोषक तत्व, उसको खाद खाद मिले, खाद मिले, ठीक है। आज पहली बार देख रहा हूँ यार यहाँ पे, ये वाला पत्थर भी है। आप इधर आए ही नहीं हो ना इसलिए लेके आई हूं। हम वहाँ से जाते हैं, हम लोग जब भी जाते हैं ना उस मंदिर, वहाँ पे मंदिर दिख रहा है वहाँ से जाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से आज मैं पहली बार आ रहा हूँ। और यहाँ तो मस्त खेत हुए थे यार, यहाँ तो मस्त है यार। आपको इसीलिए लाई हूँ मैं ताकि आप शूट कर सको, क्योंकि आप मेरे को फोन देते नहीं। चलो तो चलो गुन्नू, ये वाले जो खेत है ना एक्चुअली यहाँ काट रहे हैं लकड़ी, मतलब पेड़ गिरा रहे हैं, गिरा भी दिया ऐसा है। क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि ये जगह मैं इसलिए दिखाने लाई हूँ ना आपको क्योंकि घर से काफी नजदीक है, बट आपने नहीं देखी होगी है ना, उधर से आते हैं ये मिस हो जाता है ना ये वाला, ये एरिया पूरा मिस रहता है। तो ये वाले जो खेत वेत है ये यहाँ पहले पापा, मतलब जब मेरे दादाजी जिंदा थे, मम्मी जिस टाइम पे बहू हुआ करती थी ना उस टाइम पे मम्मी बोलती थी हम इन पे सारा बोते थे, बोलती। अच्छा ये पहले ये सारे खेत मतलब हरे रहते होंगे, अब ये पूरे बंजर है, घास उगती है, घास उगती है। हाँ, मतलब इसमें खेती बाड़ी कुछ नहीं होती है। हाँ, इसमें आबादी, खेती बाड़ी होगी क्या यार इसमें? अभी अब तो छोड़ दिया ना, अभी तो करेगा कौन। पहले मम्मी बोलती थी इसमें बहुत धान वगैरह की पैदावार होती है, थोड़ा बहुत यहीं पे दे दो बोलना मेरे को थोड़ा सा। क्या करना है आपको यहाँ से? यहीं पे सब, यहीं पे उगाता हूँ सब्जियाँ वब्जियाँ सब मस्त। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके नाम करा देते हैं इसको। हाँ प्रॉपर नाम कराना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर रजिस्ट्री करा देंगे यहाँ पर ही, बस इतना ही। वो जो वाला पत्थर दिख रहा है वहाँ पे से, ये वाला, ये वाला। अभी दादा से बात करती हूँ इस बारे में, बात करती हूँ क्योंकि इनको चाहिए है ना। पहली बार बणकाट से ही मारेंगे शहर में, मांगा है ऐसा कैसा, शहर में मारेंगे बणकाट से। क्यों? बट यहाँ ना बंजर जमीन के लिए बणकाट से शहर में ऐसा कुछ नहीं। अरे मतलब यहाँ ना जैसे अगर कोई आदमी यहाँ घर वर बनाना चाहे ना, तो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा तो है लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा वो, तो क्योंकि रोड नहीं है पास में, रोड काफी नीचे है। पापा लोग मतलब जब हमारा घर बना तब उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है पता है? डबल ट्रिपल पैसा खर्च हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ढुलाई बहुत ज्यादा होती है ना, उतने में रोड भी पहुँच जाएगी यहाँ। दादा और भाभी नीचे, वो देखो ये, अरे गुन्नू बोल दिया भाभी जैसी है, ये नहीं यार कर ही रही हो रहे आप, होना रोलना खाली बोलोनी ना चला रख मैं लगा क्यों कर दिया मन लगा फरार करते ना गुंडे ही जुड़ी। ये वाला रास्ता जो है तीसरा रास्ता, हम लोग आ गए हैं जस्ट इसके ऊपर पे और यहाँ पे पेड़ काटा है दादा ने, ये वाला, ये काफल का पेड़ काटा है और के पेड़ काटने पे काफ़ी लोग कुछ चीज़ें बोलेंगे, उसकी बाद में मैं बता दूंगी डिटेल्स क्या है। यहाँ पे भाभी दराती से कर रहे हैं, मतलब
दुतई तो दुतई दुतई अल भाभी के नरन कॉम और ददा फाड़ रहे हैं यहाँ पर लकड़ी और पहली बार ये सांप भी फाड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं ये मतलब खाली दिखाने के लिए फाड़ रहे हैं कि मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इसने इन्होंने बहुत गंदी बना दी दादा। जैसे ना साफ लकड़ी निकाल रहा है, निकाल रहे हैं ये ऐसी निकाल रहा है दादा। तो ये थोड़ा आप ये वो नहीं कर दे रहे हो, थोड़ा इसको थेज टाइप का दे रहे हो ना, हाथ में सफाई नहीं है। तो इस पेड़ को गुनू इस पेड़ को क्यों काटा हमने, क्यों काटा इस पेड़ को, घास लाना था और लकड़ी भी चाहिए थी ना, और वो पेड़ भी खराब था पता है। पहली बात तो ये काफल का पेड़ है जिसमें फल नहीं आता था, और दूसरी बात ये है कि उसको चींटियों ने खा रखा था। और यहाँ ना जो ये क्या कहते हैं दादा लोगों की जो ये लकड़ियाँ मतलब बांस के पेड़ है जो ये काफ़ी घने हैं, इनको भी छटाई करने के लिए कभी कभी काट देते हैं बीच से बीच। हाँ बीबी तो ये काफी घने होने के कारण कभी छटाई भी करते हैं, और काफी पेड़ लगाए जाते हैं इसलिए बहुत सारे पेड़ हैं इधर। तो ये वाला एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं चल सकता इधर कि तुम लोग पेड़ों का कटान कर रहे हो, बहुत ज्यादा पेड़ हैं इधर। और साथ साथ में बकरियां भी आई है बकरियां चरने के। बकरी का नाम बताओ आप, बकरी का नाम बताओ। चुन्नू और गोलू। और बड़ी वाली बकरी का नाम क्या है, उसका नाम वो बड़ी बड़ी वाली बकरी है जो उसका मक्खी। हाँ मक्खी जैसी है ना वो बड़ी बड़ी। भाभी जैसी कौन दिखती है कौन दिखती है भाभी जैसी, चाय वाले बोलो फिर। काम तो कुछ किया नहीं क्या था वो गिलास थोड़ा बाराना जैसा कुछ होता है पता नहीं, मैं इसका ये निकाल सकती हूँ कि काम नाम तो कुछ किया नहीं बट चाय वाय के चक्कर में। मम्मी का फोन आ गया, काम को लास्ट खाने को फास्ट। हाँ ये को बोलते हैं, ये सही है। चाय एक दो तीन चार वो भी है। चाय पानी तो मैं बना के लाई बट पीते समय ये लोगों के हत्थे चढ़ गया क्योंकि मैं जा रही हूँ घर, काई नूट गई है। आप कब आओगे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक और पेड़ गिरा दिया है हमने। घर घर चल रहे हो आप, घर चल रहे हो गुन्नू। तो पेड़ इनका अटक चुका है, बाज का पेड़ फिर से गिराया है इन्होंने। तो नवानी टाइप की चीजें आई है खाने के लिए खाने की चीजें आई है, बाकी काम हम तो कुछ हो नहीं रहा है यार। क्या काम किया गुन्नू ने, गुन्नू बैठी थी कब से, मैं भी खा लेता हूँ ना सारा। और फिर चाय भी ले तो अंदर चाय पियो ले राजेंद्र, तो कट केल मारे तुम्हारे तो हैं केल मारे को कट तो खार में कट केल मारे। अरे तो मत जमैली, अच्छा बढ़िया मार रखा है नी सिंह जैसे। अरे वाह काइनू क्या खा रहा है, अमरूद खा रहा है, अमरूद खा रहा है। नाक मुंह कहाँ कहाँ लगा दिया है, अभी अभी उठ के आई है बेचारी भूख से बेहाल का। आज को ना अमरूद कई दिनों बाद इवन महीने के बाद दिख रहा है, मतलब खाने को मिल रहा है, इसलिए ये अमरूद है यहाँ पेड़ में इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है, मतलब इसको पसंद आ रही है चीज क्योंकि नई चीज है ना, तो ऐसे खाती है। अरे वाह प्यार से खा रही है यार, खाओ खाओ दांत भी नहीं। माल्टे दे सकते हैं इसको, नहीं दे सकते, ठंडा भी है ना यार, ठंडा यहाँ का है, यहाँ उतना नहीं लगता, पैर में नहीं दे सकते आराम से। अब नहीं खा रहा तो थू करेगा, अब और करेगी यहाँ थू।
वो चाय से सीखिए वो, सुबह सुबह मैं उसको चाय के साथ कराता हूँ ना। हाँ करो बंदर है, पूरा बंदर ही हमारा।